स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल उसकी इतनी जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं कि आप मात्र देखते ही इसका आंसर बता दोगे एक्स वाई का क्या मान आएगा। मतलब 5 सेकंड में अंदर जो है आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, डायरेक्टली एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो ट्रिक के द्वारा, समझेंगे। अब जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें भी जो है दो प्रकार आपने ले रखे हैं, जनरली दो ही प्रकार होते हैं। इसमें जो चर राशियां हैं यानी कि जो वेरिएबल है उनके साथ किसी का गुणा नहीं हो रहा है, और इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई उनके साथ गुणा हो रहा है। तो अगर गुणा हो रहा है तो उसमें कैसे निकालते हैं, और जिनमें गुणा नहीं हो रहा है उसमें कैसे निकालते हैं, दोनों ट्रिक जो है बताएंगे। तो सबसे पहले इनकी जो है ट्रिक समझ लेते हैं। इसमें जो वेरिएबल है चर राशियां हैं उनके साथ किसी का गुणा नहीं हो रहा है, तो इसमें जो x का मान होगा, इसमें जो x का मान होगा वो इन दोनों का प्लस करके 2 का भाग देना है। 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, x का मान 8 हो गया। और y का मान क्या करना है, इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। 13 में से 3 गए तो 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, ये आंसर आ गया। यानी x के मान के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और y के मान के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग देना। पहले क्या x है, तो x के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, फिर क्या y, y के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग। तो ये हमारे पास x का मान, ये हमारे पास y का मान, बिल्कुल 5 सेकंड यहाँ जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन सोल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग कम टाइम में जो है सोल्व करना पड़ता है। इसलिए ये जो ट्रिक है ये बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें दोनों संख्याओं को केवल जोड़ के 2 का भाग देना है तो x का मान आ जाएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग देना है तो y का मान आ जाएगा। वैसे अगर आप इसको सोल्व करो तो इसके लिए विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गमूलन और भी बहुत सारी विधियां हैं। अब इसके अंदर भी हम सोल्व कर लेते हैं ठीक से। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 25 और 5 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 x का मान हो गया। y के लिए दोनों को घटाएंगे, 25 में से 5 घटाए 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, y का मान हो गया 10। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के अगर समीकरण दे दिए तो उसमें x y का मान कैसे ट्रिक से निकालते हैं वो हम समझेंगे। इसके अंदर पहले हम x का मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि x का मान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर x का मान आपको आ गया तो आप किसी भी समीकरण में x का मान रखकर जो है y का निकाल सकते हैं। जैसे जो भी x का मान है यहां रख देंगे तो y का आ जाएगा। तो सिंपली हमको x का मान निकालना सीखना है तो हमको लेना है 2y, इस वाली संख्या को हमको लेना है। यहां पर जो भी संख्या होगी आपको उसको देखना है, इस संख्या को पहले इससे गुणा करना है। आप देख सकते हैं एरो 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और ये x का निकाल रहे हैं तो गुणे में x बराबर। अब इधर वापस इसी से स्टार्ट करना है, 2y से, 2y से 13 को गुणा करना है, 13 दूनी 26, माइनस इस 12 को 3 से गुणा करना है, 12 दिया 36, बस 4 में से 9 गया तो माइनस के 5x, और इधर हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कर दिया x बराबर 2, 5 दूनी 10, 2, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान किसी भी इसमें रखो चाहे इसमें रखो, x का मान रख के y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2x, x की जगह हमने रख दिया 2, प्लस 3y बराबर 13, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, 13 में से 4 गया 9, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, यानी 3y का मान आ जाएगा। x का मान 2, y का मान, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना। एक बार वो समझा देता हूं, इस वाली संख्या को पकड़ना है, ये 2y, 2y से पहले इधर गुणा करना है, 2 से 2 दूनी 4, फिर 3 का गुणा 3 से किया 9, माइनस करना बीच में, और यहां पर आपको x लगाना है गुणे में, क्योंकि हम x का मान निकाल रहे हैं इसलिए गुणे में x लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इधर वापस वही 2y लेना है, इसे इधर गुणा करना 13 से, 13 दूनी 26, और फिर 12 को 3 से गुणा करना 12 36, और इधर भी घटा लेना है, तो फिर इधर घटाना है, इधर घटाना, और x का मान उधर बाहर देखिए निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये वाली ट्रिक जिसमें
कोई कोफिशिएंट नहीं है एक्स वाई का विदाउट कोफिशिएंट के ये, और इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट के साथ कैसे जो है वैल्यू निकालते हैं, दोनों जो है दोनों समीकरणों को हमने इस वीडियो में जो है एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। तो अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।